हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो डेली लाइफ पे यूज होने वाले सेंटेंस। राइट स्टूडेंट्स, जो हमें डेली लाइफ पे यूज होने वाले सेंटेंस कौन कौन से वो हम आपको देखेंगे, जो के हर बंदा और हर बंदी डेली लाइफ में इसे यूज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज वन, हमारा सेंटेंस है कौन सा है देखिएगा। पहला सेंटेंस हमारा कौन सा है? पहला सेंटेंस हमारा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। राइट, ये सेंटेंस मैंने जनरली सोचा होगा, जनरली आपने देखा होगा कि मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका यूज किया होगा हिंदी में, लेकिन इसे आप इंग्लिश में किस तरीके से कहेंगे वो देखिएगा। देखो, आई वुडंट लिव विदाउट यू, क्या कहेंगे? I wouldn't live without you. फिर रिपीट आफ्टर विद मी, I wouldn't live without you. दूसरा सेंटेंस है हमारा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। ये भी आपने बहुत सुना होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा ये सेंटेंस। सबसे ज्यादा हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे वो जान लीजिए आप, ठीक है? आपको क्या करना है, I just love you. रिपीट आफ्टर विद मी, I just love you. अगला हमारा सेंटेंस है बेटा, हमारा अगला सेंटेंस है, प्यार करना गलत नहीं है। यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरह से जानते हो, तो प्यार करना गलत नहीं है। तो इसे आप इंग्लिश में किस तरीके से कहेंगे वो जान लीजिए। ये सेंटेंस कहीं पर लिख लेना और अपने टेक्स्ट मैसेज में इसका यूज अगर आप डेली लाइफ में यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। राइट, हमारा अगला सेंटेंस है, प्यार करना गलत नहीं है। तो इसे इंग्लिश में किस तरीके से बोलोगे आप? Love is not wrong. मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को याद हो चुका होगा। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बहुत ज्यादा यूज किया होगा आपने, बहुत ज्यादा आपने यूज किया होगा। तुम्हारा सेंटेंस कौन सा है? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। तो I don't want to lose you. हमारा हंड्रेड सेंटेंस है कौन सा है? तुम मुझे कैसे भूल पाओगे। इसलिए सेंटेंस आपने भी यूज किया होगा, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? How will you forget me? मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को इस सेंटेंस अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे डेली लाइफ का टेक्स्ट मैसेज में इसका यूज कीजिएगा। मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूं कि आप इन्हें अच्छी तरीके से सीख जाओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।